सो ये यहाँ पे सारे हमारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करते हैं, इस पर सिर्फ कुछ ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, नजफगढ़ में है, न्यू दिल्ली में है, जो नजफगढ़ का सबसे फेमस लैंडमार्क साईं बाबा मंदिर, उससे सिर्फ 10 से 15 कदम ये गैस एजेंसी, इसके साइड में ये मेट्रो वाली लाइन जा रही है, नंगली पास में पड़ता है मेट्रो स्टेशन, ठीक है, और ये हो गया बस स्टैंड। तो बिल्कुल कन्वीनियंट, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारा अपना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमने ट्री लगवाए हैं और ये ब्लॉग शूट होने से पहले कोई इनको ओरिजिनल ना, एक तो लेके जा चुका है और एक तोड़ चुका है, किसी ने पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश की, बट मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी ये असली नहीं है, तो ये बच गया। ये हमारा घर ही है, ब्लेस दिस होम विद लव एंड लाफ्टर। तो जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग बहुत दूर है तो इसको कर देना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गायत्री मंत्र लगाया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। और ये हमारे भैया हैं, नमस्ते भैया। हमने कोशिश की है इसको बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की और नेचर के बिल्कुल क्लोज रखने की, तो इसका जो इंटीरियर है वो उसी तरह से डिजाइन किया है। ये पूरे आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं इस तरफ भी एंट्रेंस पे। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये पूरा पंचकर्मा का है, क्योंकि आज के टाइम में यार लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस से परेशान है, शिरोधरा हो गया, पोटली हो गया, अभ्यंग हो गया, मतलब पंचकर्मा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि इससे पहले कोई कमेंट करे मैं बता दूं, एक्चुअली क्या है कि भैया आज ही आए हैं और यहाँ पे इनका पूरा कैबिन बनना है बाहर एल्युमिनियम का, तो आज वो बंदा आएगा ये सारा उतार के, एक से दो दिन में भैया कैबिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, यहाँ मैंने कान्हा जी को लगा रखा है। ठीक है, ये छोटा सा लिटिल पांडा है, सो दैट आपका जो मूड है वो हमेशा इसकी तरह चुलबुला सा रहे। ये है हमारी रिसेप्शन, ठीक है, और ये है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है वो अपना वेट करेगा, ठीक है। अभी ये गलत दिखा रहा है, वैसे मेरा 70 है, इसमें 68 दिखा रहा है। तो ये पूरा जो हमारा एरिया है ये है वेटिंग एरिया, और जो आपको सामने हट दिखाई दे रही है वो है कैबिन। तो मतलब आपको केरला जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में भी आपको एक ऐसा सेंटर मिल सकता है जो आपको बिल्कुल प्रकृति के पास रखेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने इसी तरह से रखा है, छोटे छोटे पेड़, इस तरह से इंटीरियर जो थोड़ा सा आपको मतलब चेरिश सा करे। ये हमारे दो पेड़ हैं, यहाँ पे हमेशा रहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन का मैं पहले ही आंसर कर देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि आपको प्लांट्स थोड़े नेचुरल रखने चाहिए थे, अब यहाँ पे भाई पीपल का पेड़ तो हम गाड़ नहीं पाते, और दूसरा इंडोर प्लांट्स ना लगाने की वजह यार उनकी ना, चाहे कितनी केयर करने की कोशिश करो यार वो ना सूख जा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी ज्यादा उनकी केयर हो नहीं पाएगी, तो इंडोर हमने आर्टिफिशियल इसलिए प्रेफर किया। ये मैंने कुछ फ्रूट्स में ग्रेप्स को चूज किया था इसलिए कि आपका देख के खाने को मन करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी ऐसे हैं जिनकी डाइट में से फ्रूट्स बिल्कुल मिसिंग है, उनको बहुत हेक्टिक लगता है, तो आपको उसको पार्ट बनाना। अच्छा, जो इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ग्रीन थीम लिया है, तो ये जो मैंने इसमें भी पूरा बैम्बू वर्क आप लगा लो, ग्रीन इसकी गद्दियां वद्दियां ये सब उस अकॉर्डिंग ले लिया। इसमें दो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यहाँ पे ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने उन पेशेंट का उठा दिया है, हेलो माय डियर फैमिली, आई एम योर फेरी, पुट योर विश हियर। तो इसमें कल भी दो पेशेंट ने अपनी विश डाली थी और इवन आज किसी ने डाली है कीप इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सर पैनल पे कॉल कर रहे थे तो सर जो है उनका कॉल पिक नहीं हुआ, तो उन्होंने आज ये दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना, सबको लग रहा था कि नहीं यार बहुत डिफरेंस है, अब मैं सेम चीज बताती हूँ। जैसे ये पॉजिटिव है ऐसे ही ये मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हेलो माय डियर फैमिली पुट योर नेगेटिविटी है, तो इसमें भी बहुत खुशी हुई क्योंकि कल किसी दो लोगों ने अपनी बहुत ही अंदर की नेगेटिविटी इसमें पूरा डंप करके गए थे। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले के लिए, जैसे कि ये हमारा उपटन फेस वॉश है, जिसने भी यूज किया उसका मुझे सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट आया कि मैम हमने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के यूज किए बट जो इसका रिजल्ट मिला हमें किसी में भी नहीं मिला। ये हमारी कैटी है, ये हमारा पुच्चू है, ठीक है, और ये हमारी माऊ है, ठीक है, पुच्चू हमारा छोटा है, माऊ हमारी बड़ी है, तो वो यहाँ नहीं होती इसलिए मैंने दोनों को लगा दिया यहीं पे। ये हमारे शैम्पू है, हमारे शैम्पू भी दो तरह से है, ये आंवला शिखा का है, इसको भी हमने बहुत डिफरेंट प्रोसेस से बनवाया है पूरा, तो आप जो नॉर्मल मार्केट में यूज करते हो और इसको यूज करोगे बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा डेफिनेटली। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि आप जनरली वैसलिन यूज करते हो, ठीक है, तो या पोन्स का भी यूज करते हो, सारा क्रीम बेस है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा मॉइस्चराइजर है जो ऑयल बेस है। आप ऑयल को लगाओगे बट आपको बॉडी पे लगेगा नहीं कि ऑयल लगा है। ये इतना अमेजिंग वर्क करता है। अगर आप लोग भी इनको ऑर्डर करना चाहते हो तो जो आपको ये नंबर आ रहा है आप इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो सिंबल ऑफ पीस, क्योंकि इनके बिना कोई भी जगह मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं होती है, जिस तरह से इन्होंने सारी चीजें स्प्रेड की हैं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया है। तो ये यहाँ पे है, ये हमारी रिद्धि है, यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे हमने लगा रखा है एक मिरर, हालांकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट ये सिर्फ एक वैसे शोपीस टाइप है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा मंदिर है, ठीक है, सारे के सारे माथा टेक लीजिए। अब चलते हैं अंदर कैबिन में। तो मतलब इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया कि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट हो। ये कुछ कुछ चीजें अरुण ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कुछ कुछ हमने बाय किया, और हमारे जितने अरुण ने गिफ्ट दी थी बर्थडे पे ऑर्डर की थी। हाँ तो वही जो इसमें मतलब ऑनलाइन वो चीजें, और ये बिल्ली, चलो। सो अब आप एंटर हो रहे हैं कैबिन में। नाउ यू आर एंटरिंग ए स्ट्रेस फ्री जोन। जनरली डॉक्टर के पास जाते ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक ट्री का कॉन्सेप्ट है और ये खुलता है कैबिन इस तरह से। तो ये है कैबिन जहाँ पे मैं पेशेंट्स को अटेंड करती हूँ। आप लोग भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आपको लगता है कि नहीं यार अब तो हम थक गए, अब हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आप लोग मेडिसिन आउट ऑफ इंडिया भी मंगवा सकते हो, सिर्फ आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अच्छा ये मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये गणेश जी हैं। बहुत ही कम ऐसी मूर्तियां होती हैं जो बुक पढ़ते हुए हैं, ये यहाँ पे रखा है। यहाँ पे ये आपको बाल गणेशा मिलेंगे। यहाँ पे ये स्टेथोस्कोप में ये है, ये पेन है बहुत ही यूनिक, ये सारी अरुण की क्रिएटिविटी है। धन्वंतरी जी की फोटो है क्योंकि आयुर्वेद इनके बिना बिल्कुल अधूरा है, एंड माई हैप्पी प्लेस क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पेशेंट्स को ठीक करना लगता है, सो दिस इज माई हैप्पी प्लेस। और ये मैंने लिया था शॉप के लिए क्योंकि मैं मूवीज में देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये है, और ये ऑफिस का है लैंडलाइन नंबर, और ये वर्किंग है फोन ये वाला। तो ये एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें ऐड किया था, बिल्कुल सोबर और सिंपल इसको हमने रखा है। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा ड्रीम है कि एक टाइम में मैं हर जगह पे आयुर्वेद को प्रमोट करूं। तो अब चलते हैं हम फार्मेसी की तरफ, ठीक है। ये है हमारी फार्मेसी। तो इस तरह से हमारी मेडिसिन है, ये जैसे हम कस्टमाइज करवाते हैं, ये है, ये हमारी टैबलेट्स हैं, कुछ जेल हैं, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ ये छोटू सा हमारा एक मेहमान है बनाना ट्री। ये देखने में आप बताना कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, अब ये आप लोग बताओगे, आपने नहीं बताना था, उन लोगों को बताने देना था। सो ये डिफरेंट डिफरेंट सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, कैक्टस हो गया, ये भी समथिंग, ये भी समथिंग, ये भी समथिंग, ठीक है, ये भी समथिंग और ये समथिंग। तो आपने देखा होगा कि जो हमने यहाँ पे गमले भी रखे हैं ना, बहुत यूनिक यूनिक से रखे हैं। डक हो गया, फिश हो गया, एलिफेंट हो गया, सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे ड्रीम रूम में, ठीक है, हमारा पंचकर्मा सेंटर। प्लीज लीव योर शूज एंड स्लीपर आउटसाइड, ठीक है। तो ये रैक है हमारा, यहाँ पे गणपति जी को हमने बिठाया है, ठीक है, हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। वेलकम, तो आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ आप अपनी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड। तो ये है हमारा पंचकर्मा सेंटर, ठीक है। आते ही क्योंकि देखो यार, जब आप मिरर में खुद को देखते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अलग लेवल पे हो जाता है। यहाँ हम दोनों दिख रहे हैं तो हम दोनों का तो बहुत ऊपर हो गया है। तो हमने इसको भी बहुत ही पॉजिटिव सा रखा है, तो हम लोग ऐसा एंटीक सा डिजाइन ढूंढ के लाए थे। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लांट्स सारे ही हमने आर्टिफिशियल किए हैं, हमने गमले भी वैसे यूज किए हैं। और इंटीरियर जो है, जैसे सिटिंग का है, वो आपको सारे फ्लोर पे ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा,
ये हमने केरला का थीम दिया था इसमें कोकोनट ट्री। ओरिजिनल तो इतने लंबे होते हैं कि पूरी हम लोग को चार फ्लोर क्रॉस करने पड़ते थे, इसलिए हमने आर्टिफिशियल ये करवाया। एंड मतलब एक वो बोलूं कि खुशकिस्मती है कि यहाँ लोगों ने पत्थर मार के इसको नहीं तोड़ा, ये बच गए हैं, जैसे नीचे के पूरे खराब हो गए थे। नीचे ये पूरा ग्रीन ग्रास का कॉन्सेप्ट है और ये इधर आपको दिखाई दे रही है हमारी थ्री हट्स। सो यहाँ पे होती हैं सारी थेरेपीज, नवारा ट्रीटमेंट। नवारा वैसे ही बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड हो चुका है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो सर्च बार में, सिर्फ आप नवारा डालो, NAVARA, नवारा, उसके आगे अपने आप लिखा जाएगा नवारा ट्रीटमेंट, नवारा ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर उपासना वोरा, नवारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ठीक है, नवारा ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारा आपको गूगल और यूट्यूब मिल जाएगा, आपको जस्ट जाके आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये और ना मतलब सारी फैसिलिटीज के साथ, जैसा भी क्लाइंट्स को चाहिए, कई क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, जिनको भाई ये होता है कि नहीं हमें गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, तो उनके लिए एसी, जो सिर्फ फैन में कंफर्टेबल होते हैं, सिर्फ फैन, ठीक है, ये सारी डिस्प्ले हमारी, ठीक है, हर एक उसमें हट में। तो ये हो गया नवारा ट्रीटमेंट के लिए। जैसे पंचकर्मा में ट्रीटमेंट होते हैं, तो नवारा जो है बेसिकली हमारी इनोवेशन है। हमने नवारा क्या था, जो नवारा होते हैं ना वो एक राइस होते हैं आयुर्वेद में, नवरा राइस बोलते हैं हम उसको, ठीक है। हमने जो है इसको ट्रीटमेंट में पूरा मॉडिफाई किया, उसमें हमने ऐसे हर्ब्स के कॉम्बिनेशन, इसलिए जिन भी लोगों को झाइयां हैं, ठीक है, बहुत पुरानी से पुरानी, जो मतलब 10-10 लाख रुपए लोगों ने स्पेंड कर लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े से बड़ा दिखा लिया, नहीं ठीक हुए, वो हमारे नवारा ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही 100%, मुझे भी नहीं पता 100, 95, 90 जितना हो रहा है परमानेंट हो रहा है, रीअकरेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पंचकर्मा के भी रूम है नवारा ट्रीटमेंट भी। जो लोग भी पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे यार अब समर स्टार्ट होती है ना तो लोग केरला जा भागना शुरू करते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं जो अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, रिजुबिनेट करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्मा के पैकेजेस बुक करवाते हैं, तो हमारी वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारी थ्री हट्स हैं जहाँ पे हम पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। शिरोधरा, अभ्यंग, जंबीरा पिंडस्वेद है, हेयर के ट्रीटमेंट है, अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट है, वेट लूज के पैकेजेस है, मतलब आप सारी बुकिंग कर सकते हो। और ये चलते हैं थेरेपी रूम में, क्योंकि शिरोधरा तो आप सबने सुना ही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इस तरह से सेटअप है विद अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी। शिरोधरा यहाँ पे करते हैं, हमारा स्टीम चैम्बर है और प्रॉपर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ। साथ में हमारा अटैच वॉशरूम है और एक और ये वाला भी वॉशरूम है। तो ये भी हमने इस तरह से बनाया है क्योंकि देखिए कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, चाहे वो पिगमेंटेशन है या किसी भी चीज को लेके है, हमेशा ना हम अपने चेहरे देखने की आदत होती है यार कितना फर्क हुआ कितना, तो हमने यहाँ पे ये इसलिए लगाया है कि यहाँ जब आप आते हो ना, जब उस ट्रीटमेंट के बाद आप यहाँ देखोगे ना, तो आपको एक वो पॉजिटिविटी फील होगी, आप खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करोगे, नहीं यार मैं ठीक हो रही हूँ। और मुझे याद है क्लाइंट्स जब फर्स्ट डे आते हैं या हमारी 10 सिटिंग के बाद जब यहाँ से जाते हैं तो उनके फेस पे ना बिल्कुल एक स्माइल होती है। तो ये है, अब मैं लाइट ऑन करके आपको एक दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है पूरा। वैसे जनरली ये ऐसे ही रहता है क्योंकि सूदिंग एनवायरमेंट है, बट ये इस तरह से ये पूरा है ये। अब चलते हैं ऊपर, हमारी पूरी टीम से मिलाने, पूरी तो नहीं है मतलब अभी आधी टीम अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों के रमजान चल रहे हैं, कुछ के नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ अवेलेबल है तो उनसे मिलवाते हैं। तो ये है हमारी पूरी टीम। तो सबसे पहले देखो डॉक्टर्स जो है वो हमेशा आपको स्ट्रेस से फ्री करते हैं, तो सबसे पहले हमारे स्टाफ के लिए है नाउ यू आर एंटरिंग ए स्ट्रेस फ्री जोन, और उनके लिए हमने बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। मोस्टली मेरा स्टाफ यहीं बैठ के ये लोग काम करते हैं सारा, जो भी अपना आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे, किसी भी कोई प्रेशर नहीं है किसी पे भी, किसी भी तरह का। रन योर ओन रेस, ये यहाँ पे टेम्पल है पूरा, और ये ऑफिस का एक एरिया है जहाँ पे हमारे पूरे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, बैकएंड की टीम बैठते हैं, बैकएंड की टीम, और ये यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, बहुत सारे लोग अभी प्रेजेंट नहीं है, और जो प्रेजेंट है तो यहाँ से हम लोग पूरी तो जानवी हेलो बोल दो सब लोग। हेलो, नहीं आप काम करो, पेशेंट को रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि सारे लोग वेट कर रहे हैं, एक्चुअली कई लोग ये कहते हैं कि हमें टाइम पे रिवर्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इसलिए तो कर रहे हैं सब
तो दिक्कत ये है कि एक साथ हमारे पास एक दिन में 300-400 कॉल्स प्लस व्हाट्सएप, कई बार 500 भी चले जाते हैं, कभी 600 जा रहे हैं, तो इतनी क्वेरीज आ रही हैं, तो सबको अटेंड करना, ठीक है, रिवर्ट करने में, इसलिए कई बार हम कहते हैं कि 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, वैसे हम 48 तो लगाते नहीं है। लेकिन हमने ये जो पेड़ वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने हर फ्लोर पे मेंटेन किया है। ये हो गया हमारा सारा मेडिसिन का स्टोरेज रूम। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। सो ये हम लोग चल रहे हैं लास्ट फ्लोर पे, यहाँ से ही हम एंटर करते हैं। हमारी बिल्लियां भी आज यहीं पे हैं। ओह ये हेलो हेलो, ओके ये वाली है स्लीपिंग ब्यूटी, अंगड़ाई ले रही है अभी। तो ये है हमारा पूरा लॉबी, इस तरह से पूरे ये कर्टेंस हैं, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे वेटिंग एक तरह से लगा लो, लॉबी में आप एंजॉय कर सकते हो। हमारा डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हमारी कैटू एंजॉय कर रही है, ठीक है, और ये हमारी इधर किचन है। अभी क्या है कि यार अभी ना सारा सामान हम लोग सेटल कर रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मेस दिख रहा होगा। और ये इस तरह से हमारे अकोमोडेशन के रूम है, तो ये है हमारे पेशेंट के जो हमारे अकोमोडेशन रूम है, और इस तरह से ये दो यहाँ है हमारे अभी, ठीक है। हाँ अभी ग्रीन घास है पर बारिश हुई तो इस वजह से हमें यहाँ से उठाना। एक्चुअली क्या हुआ था कि बारिश क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रही थी, उससे हुआ ये कि वहाँ पे पानी निकल नहीं पाया और वो सारा अंदर भर गया था, इसलिए अभी हमने हटा रखा है। बाकी ये हमारा योगा एरिया है सुबह का, मम्मी अभी फोन पे बात कर रहे हैं, ये पूरा एरिया हमारा। हाँ अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि भैया हॉस्पिटल में इन एकोमोडेशन रूम की क्या जरूरत है। एक्चुअली यार हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते थे, कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते थे फीमेल्स होती थी, उनको यार आना पड़ता था, जैसे मुंबई से आ रहा है कोई, आ रहा है लखनऊ से आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं ना वो ऑल ओवर इंडिया, छोड़ो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे फॉरेन के क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको क्या होता था कई बार ना होटल्स वगैरह, उनको यहाँ पे रुकना सेफ फील नहीं होता था कि कौन से होटल में जाएं, क्योंकि इस सिटी से वो लोग नॉन नहीं होते थे। सेफ भी नहीं, सबसे बड़ा इशू होता है मेल का, क्योंकि जब भी आप पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लेते हो तो जो आपका मेल है वो बहुत ज्यादा सात्विक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एकोमोडेशन मील सब चीजें प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए। तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, उतनी दूर है कहाँ रुकेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा हॉस्पिटल अच्छा लगा हो, मैंने छोटी सी कोशिश की आयुर्वेदा को बिल्कुल आपके पास लाने की। अब आप लोग प्यार देना, आपकी जो भी बीमारियां हैं बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा के, मतलब बुरी नहीं है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम टाइम में अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अपने दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकालिए कि आयुर्वेदा बहुत लंबा टाइम लेता है, आपकी कोई भी बीमारी है यहाँ से यहाँ तक, चाहे डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी, पीसीओडी है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, डार्क सर्कल, पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क, कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर बीमारी का इलाज है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें, और बस और क्या बोलूं, बस प्यार देते रहो। थैंक यू।